जेटिन नए काम करने का मन बनेगा, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी पूरी हो सकती है, कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। रोजगार की जरूरत है तो कोशिश करें, जरूरी लोगों से मिलें, आपको आगे का रास्ता मिल सकता है। रुके हुए काम निपट जाएंगे, पुरानी परेशानियां सुलझ सकती है, दुश्मनों पर जीत मिलने के योग है। व्यापारिक फैसले सोच समझ कर लें, कोई बड़ा फायदा भी होने के योग बन रहे हैं। बीमार लोगों की सेहत में थोड़ा सुधार हो सकता है। परिवार के काम पर ध्यान दें, नेगेटिव किसी खास काम के लिए सोचने समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संभल कर रहे, कोई मौका भी हाथ से निकल सकता है। कई तरह की जिम्मेदारियां आप पर हो सकती है, इससे थोड़े परेशानी भी बढ़ने के योग है। आप व्यस्त भी हो सकते हैं, जल्दबाजी में कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। क्या करें, आम वाला खाएं या जूस पिए? लव, आज आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आप रोमांटिक मूड में हो सकते हैं, पार्टनर से भी आपको मदद मिल सकती है। करियर बिजनेस में फायदे के योग है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक है, स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। पढ़ाई में मन लगेगा, हेल्थ जोड़ों का दर्द हो सकता है, चोट लगने के योग है। इस राशि की महिलाओं को शारीरिक परेशानी हो सकती है। वृषभ स्थान में बदलाव संबंधी कोई प्लान बन सकता है या ऐसी कोई बात भी आपके सामने आ सकती है। यह भी हो सकता है कि पढ़ाई या कामकाज के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आज आप अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। साथ के कुछ लोगों की मदद भी मिलने के योग है, आपसी तालमेल बढ़ सकता है। अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें, नेगेटिव शेयर बाजार या सट्टेबाजी में पैसा ना लगाएं, किसी को उधार पैसा ना दें। कागजी कामकाज के मामलों में सावधानी रखें, आज आप थोड़े दुखी भी हो सकते हैं। कानूनी समस्याओं में उलझने बढ़ सकती है, फालतू कामों में समय खराब होने के भी योग बन रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी गड़बड़ा सकता है, सावधान रहे। परिवार से सहयोग कम ही मिल पाएगा, आज आप अपनी बात रखने का तरीका थोड़ा बदल दें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें असफल भी हो सकते हैं। वाहन भी सावधानी से चलाएं, क्या करें, किसी गरीब कन्या को चॉकलेट खिलाएं। लव, आपकी लव लाइफ में कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए समय अच्छा हो सकता है। करियर पैसों की परेशानी हो सकती है, नौकरी पेशा लोगों के काम में रुकावटों की संभावना है, स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग है। बिजनेस करने वाले लोगों को भी सावधान रहना होगा, हेल्थ सेहत के मामलों में भी संभल कर रहे, वाहन संभल कर चलाएं। मिथुन, पुरानी परेशानियां खत्म होने के योग बन रहे हैं। गोचर कुंडली के तीसरे घर में चंद्रमा होने से आप बहुत से मामलों में लकी हो सकते हैं, आज आप साथ वालों की मदद करके भी खुद आगे बढ़ सकेंगे। बिजनेस और नौकरी में नए आइडिया आपको मिल सकते हैं, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, मन में उदारता रहेगी। घर परिवार से जुड़े मामले निपटाने में समय बीत सकता है, परिवार में कोई मामला या कोई काम बहुत समय से अटका पड़ा है तो आज आप उसे सुलझाने की पहल कर सकते हैं। परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रहेगी, भाई बहनों से संबंध अच्छे हो सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। नेगेटिव किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, किसी के बारे में गलत सोच ना रखें। बिजनेस में उधार लेन देन करने से बचें, किसी तरह की टेंशन भी बढ़ सकती है, कंफ्यूजन बढ़ सकता है। क्या ना करें, खाने में चम्मच कांटे का उपयोग ना करें, हाथ से खाएं। लव, पार्टनर से अनबन हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें। लव लाइफ से जुड़ी पुरानी बातें सामने आ सकती है। करियर, मिथुन राशि वालों के लिए स्थिति अनुकूल हो सकती है, रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करें, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है, आप भी सफल हो सकते हैं। हेल्थ सेहत के मामले में दिन ठीक है, बीमारी में राहत मिल सकती है। कर्क, पॉजिटिव करियर के मामले में दिन अच्छा है, सेविंग और धन लाभ के योग बन रहे हैं,
प्रॉपर्टी के मामलों में भी समय अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होने की संभावना बन रही है। ऑफिस और बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए अनुभवी लोगों से सलाह मिल सकती है। समय पर मदद मिलने के भी योग हैं। धन लाभ हो सकता है। मीठा और तहजीब से बोलकर आप अपने काम पूरे करवा सकते हैं। किसी खास इंसान से अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। खुले अंदाज में भी बातें कर सकते हैं। कुछ लोगों से संबंध सुधर सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है। अधूरे काम समय पर पूरे होने से संतोष मिल सकता है। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने के योग हैं। सेहत का ध्यान रखें। नेगेटिव दुश्मनों से बचकर रहें। कोई महत्वपूर्ण चीज गुम होने का डर भी रहेगा। सावधान रहना होगा। कुछ खास कामों में मन नहीं लगने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। काम अधूरे भी छोड़ सकते हैं। क्या करें? हरी मिर्ची और नींबू खुद के ऊपर से 7 बार घुमाकर सड़क पर फेंक दें। लवक ही घूमने जाने का मौका आपको मिल सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। करियर ऑफिस में साथ वाले लोगों से मदद मिल सकती है। स्टूडेंट्स को सफलता के योग हैं। करियर के लिए कर्क राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। हेल्थ आंखों में तकलीफ हो सकती है। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। संभल कर रहे। सिंह पॉजिटिव। भविष्य को लेकर कई तरह की बातें और प्लानिंग हो सकती है। चंद्रमा की स्थिति से आपके कुछ जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। अचानक फायदा मिलने के योग बन है। पार्टनर भी आपकी मदद करेगा तो धन लाभ हो सकता है। पुराना कर्जा खत्म हो सकता है। फालतू खर्चों पर कंट्रोल हो सकता है। नए इनकम सोर्स मिलने के भी योग हैं। कोई पार्ट टाइम काम मिलने की संभावना है। महंगी चीजों की खरीदारी हो सकती है। पड़ोसियों और भाइयों के साथ बातचीत होगी। किसी खास मामले में विचार विमर्श हो सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। दुश्मनों पर जीत मिलने के योग हैं। संतान के लिए समय निकालें। नेगेटिव सेहत को लेकर भी ज्यादा सावधान रहें। आप कोई खास काम अधूरा छोड़ सकते हैं। एक से ज्यादा काम एक साथ करने की कोशिश करने से खुद ही परेशान हो सकते हैं। आपके मन में किसी तरह की उथल पुथल हो सकती है। क्या करें? चावल के आटे से बनी खाने की चीजों का दान दें। लव जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें वरना संबंध बिगड़ सकते हैं। अपनी कोई बात या इच्छा मनवाने की कोशिश ना करें। करियर निवेश से फायदा हो सकता है। दलाली में फायदे के योग हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ मौसमी बीमारियों से भी परेशान हो सकते हैं। मसल्स या नसों की तकलीफ हो सकती है। कन्या पॉजिटिव। परेशानियों से निपटने के लिए नए सिरे से कोशिश करेंगे। आपके काम साथ के लोगों को भी अच्छे लगेंगे। ऑफिस में मेहनत का फल मिल सकता है। किसी मददगार इंसान से भी मुलाकात होने की संभावना है। दोस्तों से फायदा होने के योग हैं। परिवार का सहयोग भी मिलेगा। नया व्हीकल या मोबाइल खरीदने का मन बना सकते हैं। पैसे और सेविंग के मामले में दूर स्थान के किसी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। निवेश या खर्चे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। नेगेटिव। आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए खर्चा भी ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा करने से बचें। पुरानी समस्याओं से परेशानी बढ़ने की संभावना है। स्वार्थ की भावना आप पर हावी हो सकती है। आपको उन बातों की चिंता हो सकती है जो आपके रोजमर्रा की जरूरतों में से एक है। किसी काम या बात में जल्दबाजी करने से भी नुकसान हो सकता है। सेहत को लेकर सावधान रहें। क्या करें? लौंग या अदरक खाएं। लव पार्टनर का मूड अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रखेगा। शारीरिक सुख मिल सकता है। किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं। करियर ऑफिस में विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। कुछ कामों में रुकावटें आ सकती हैं। मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जॉब स्विच करने का मन बना सकते हैं। हेल्थ वाहन सावधानी से चलाएं। चोट लग सकती है। धारदार और ज्वलनशील चीजों से बचकर रहे। तुला पॉजिटिव। ऑफिस और घर परिवार की टेंशन कम हो सकती है। समझदारी से आप समस्याएं सुलझा लेंगे। चंद्रमा के प्रभाव से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
साथ काम करने वाले और परिवार के लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। काम का बोझ भी कम हो सकता है। कामकाज के तरीकों में बदलाव से फायदा हो सकता है। दूसरों की मदद कर सकते हैं। घर में मरम्मत या सुधार का काम हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। आमदनी बढ़ने के भी योग हैं। नेगेटिव सुस्ती भी महसूस हो सकती है। निजी तौर पर कुछ कठिन स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। कुछ राज की बातों में आप उलझ सकते हैं। दोस्तों से अनबन या विवाद की संभावना बन रही है। कोई गलत फहमी हो सकती है। क्या करें? किसी भी मंदिर में धार्मिक ग्रंथ या किताब का दान करें। लव जीवन साथी से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों की लव लाइफ अच्छी हो सकती है। करियर बिजनेस में फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। सहयोग भी मिलेगा। हेल्थ तनाव और थकान से परेशान हो सकते हैं। सिर दर्द के भी योग बन रहे हैं। वृश्चिक पॉजिटिव रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। गोचर कुंडली के 10वें भाव का चंद्रमा आपके लिए अच्छा हो सकता है। सितारों की स्थिति आपके लिए खास हो सकती है। सामाजिक और सामूहिक कामों के लिए लोगों से मुलाकात हो सकती है। आप सक्रिय रहेंगे। प्रतियोगिता जैसी स्थिति भी आज बन सकती है। कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। आज आप बोलने के बजाय सुनने पर ज्यादा ध्यान दें। इससे आपको कोई जरूरी बातें पता चल सकती हैं। नेगेटिव खर्चा बढ़ सकता है। ना चाहते हुए भी किसी को पैसा देना पड़ सकता है। किसी काम को करने के लिए बेचैनी भी हो सकती है। पैसों के मामले में सावधानी रखनी होगी। आप कर्जा भी ले सकते हैं। किसी भी तरह के कानूनी मामले में लापरवाही ना करें। क्या करें? किसी गरीब को अन्नदान करें। लवलव पार्टनर की मदद से धन लाभ के योग हैं। आपको भावनात्मक सहयोग मिल सकता है। अविवाहित लोग प्रेमी के सामने शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। करियर, आप कोई भी बात सावधानी से बोलें। ऑफिस में नया काम या नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। हेल्थ, ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी। सेहत में सुधार होने के योग हैं। धनु पॉजिटिव, रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। अचानक फायदा हो सकता है। बिजनेस में नए सौदे हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ सकता है। पारिवारिक सुख और संतोष रहेगा। अपने कामकाज और कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें। जो भी काम आप कई दिनों से टालते आ रहे हैं उसे निपटा लें। कुछ खास लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं। कोई पुराना विवाद भी सुलझ सकता है। नई शुरुआत करने में भी सफल हो सकते हैं। सलाह या मदद के लिए कुछ लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव इंटरव्यू या किसी खास बातचीत में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। दूसरों की मदद इतनी नहीं मिल पाएगी जैसा आपने सोचा है। ना चाहते हुए भी आपको कुछ काम अधूरे छोड़ने पड़ सकते हैं। क्या करें? ऑफिस, व्हीकल या घर का आईना साफ करें। लवभोग विलास में रुचि बढ़ सकती है। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। शक और झूठ के कारण संबंध बिगड़ सकते हैं। करियर, आप ऑफिस में कुछ लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है। जॉब बदलने या एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी विचार कर सकते हैं। हेल्थ, कमजोरी महसूस हो सकती है। दुर्घटना या चोट लगने के योग बन रहे हैं। संभल कर रहे। मकर पॉजिटिव, आप काफी सक्रिय और व्यस्त हो सकते हैं। बिजनेस के मामलों में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। छोटे मोटे सौदे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। किसी की गुप्त बात आपको पता चल सकती है। आज मिलने वाले पैसों को आने वाले समय के लिए बचा कर रखें। आपके लिए अच्छा रहेगा। आप व्यावहारिक रहेंगे और चतुरता से काम लेंगे। आप कोई नई चीज भी सीख सकते हैं। नया काम भी आप शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। फोन पर बातचीत के जरिए ही कोई बड़ा सौदा निपटाने में आपको सफलता मिल सकती है। भाइयों से भी मदद मिलने के योग बन रहे हैं। नेगेटिव जल्दबाजी ना करें। अकेलेपन से बचें। आप कुछ लोगों से बातचीत में हिचकिचा सकते हैं। इससे आपके कुछ काम बिगड़ने के योग हैं। ऑफिस और बिजनेस में जो काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता की संभावना कम है।
परिवार और कार्यक्षेत्र के कुछ मामलों में थोड़ी बहुत बेचैनी हो सकती है। किसी के साथ अनबन के भी योग है। अधूरे काम निपटाने में आपको परेशानियां आ सकती है। मेहनत ज्यादा होने के योग है और विवाद की संभावना भी बन रही है। क्या करें? रोटी पर थोड़ी सी हल्दी डालकर छत पर रखें। गाय या कुत्ते को भी खिला सकते हैं। लव जीवन साथी के साथ यात्रा हो सकती है या किसी प्रोग्राम की प्लानिंग बन सकती है। करियर अधिकारियों से सहयोग कम ही मिल पाएगा और आपको बिजनेस में सावधान रहना होगा। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग है। हेल्थ पेट में तकलीफ हो सकती है। कुंभ पॉजिटिव काम काज ज्यादा हो सकता है। आज आप नौकरी या कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नए अनुभव होंगे। मन की बातें सुने, अपने वादे पूरे करने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है। बिजनेस और नौकरी के बड़े मामलों पर कुछ फैसले हो सकते हैं या प्लानिंग भी बन सकती है। पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है। आमदनी बढ़ाने और खर्चों में कटौती करने पर विचार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लेन देन के मामले निपट सकते हैं। नौकरी में बदलाव और पदोन्नति की संभावना है। नेगेटिव आज आप थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं। इससे कुछ लोगों के नाराज होने की संभावना है। आपके बिजनेस या कामकाज पर भी इसका नकारात्मक असर हो सकता है। किसी को बिना मांगे राय देने से बचें। क्या ना करें? गर्म मसाले लेन खाएं। लव जीवन साथी से गिफ्ट मिल सकता है। प्रेमियों के लिए समय अच्छा हो सकता है। करियर आज आप किसी भी तरह का निवेश सावधानी से करें। स्टूडेंट टेंशन में हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति से पैसों की मदद ले सकते हैं। हेल्थ आपकी सेहत में प्ले से थोड़ा सुधार भी हो सकता है। मीन पॉजिटिव कुछ नया और ज्यादा करने की सोच सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में बड़े काम करने की योजना बना सकते हैं। रुके हुए काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। प्रेमी या दोस्तों के साथ भी संबंधों में सुधार की कोशिश करें। सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। दूसरों की तारीफ कर सकते हैं। कर्मचारियों पर नजर रखें। अपनी चीजें भी संभाल कर रखें। विद्वानों का साथ मिल सकता है। खान पान पर कंट्रोल जरूरी है। नेगेटिव छिटपुट विवादों में उलझने से बचें। आपके कुछ काम अधूरे हो सकते हैं। चंद्रमा के कारण मन में कुछ बेचैनी और तनाव भी हो सकता है। आपको सावधान रहना होगा। कोई पुराना डर भी आपको परेशान कर सकता है। कुछ चलते काम रुक सकते हैं। अपनी बात लोगों से मनवाने के कारण विवाद होने के योग बन रहे हैं। कुछ पुराने दुश्मन भी आपको परेशान कर सकते हैं। खुद के साथ भी किसी काम में जबरदस्ती करने से बचें। क्या करें? सेब का जूस पिए। लव जीवन साथी से मदद और समर्थन मिल सकता है। आज आपको विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक कहा जा सकता है। करियर ऑफिस में आपके काम का विरोध हो सकता है। गुस्से पर कंट्रोल रखें। स्टूडेंट्स को समय पर सहयोग नहीं मिलने से परेशानी हो सकती है। हेल्थ तनाव और थकान बढ़ सकती है। सिर दर्द भी होने के योग है। आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं।